صلوات عليه ولا باي في هذا الساعات وفي كل ساعات ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرجا لكم يا آل محمد بادشاہ اللہ منی آمد صف ماتم بچھایا قبول فرما بادشاہ اللہ جتلا قدم امنی ممنا چا کے ٹورائیں انہاں دا قدم قدم تے ٹورایا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما بادشاہ اللہ ذاکرین دی پڑھائی نا چیز دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما اللہ سے مکنری نا اولاد عطا بادشاہ اللہ اس بزرگ نو اس حسین علیہ السلام دا صدقہ جنہ رحم کو بچڑے گھنوا لیتے ہیں اس حسین دا صدقہ اس بزرگ نو اولاد نری نا عطا فرما بادشاہ اللہ اس سارے دی حاضری قبول فرما جتلا مومن بیمار ہیں اس امام دا صدقہ جرا بیمار نہیں تیرے دین دے راہ تے بیمار ہو گئے زین العابدین علیہ امام دا صدقہ امام علیہ السلام دا صدقہ بادشاہ اللہ شفا عطا فرما سارے بارویں آقا دا جل ظہور فرما زارہ دے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّ دِي ذات بلند صَلَوَاتُ وَوَصِيِّهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِيفَتِهِ صف ماتم بچھائے قبول فرماوے جتنا قدم نواب کربلا والے پاس چاہ کے ٹور آئے ہو بادشاہ اللہ جل جلالہ تہاڈے قدم قدم تے صغیرا کبیرا گناہ معاف فرماوے باواز بلند صلوات اللہ مصطفیٰ خوش نصیب ہے بندہ جس نو یہ ذکر نصیب ہے ہر بندے نو ذکر نصیب نہیں دربار وڈے ہادی پاک ہیں جڑے کل کریمن او اج وی کریم ہیں جڑے کل لجپال ہیں او اج وی لجپال ہیں جے کسے نو منگن دا وال آوے مدینے والے سید خالد دی ولے دے تیرا چھواں بادشاہ فرمیندے جڑی زبان سارے ذکر جتنا بولے ستر قدم تے بندہ سنے مولا فرمیندن قبر چ او نہ بولے سی یا میں بولے سا یا میرا دادا علی بولے سی بے نیاز فرمیندے
मैं जो कुछ बनाई बैठा मेरा सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरे वास्ते बनाई बैठा, कुछ ना बनावा हाँ अगर ते सोने को ना बनावा हाँ। मैं कायनात बनाई है तेरे वास्ते। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने मौजूद है जिस दे वास्ते बेनियाज ने कायनात बनाई है वो प्यारा कितना उसी बेनियाज ने फरमा दिते मेरे महबूब के सामने किसे ना नहीं करना, किसे क्यों नहीं करना, ये जो आखे उसमें मनना है, ए दिन नू आखे रात है तुसा आखने रात है, ए रात नू आखे दिन है तुसा आखने दिन है। जरा मेरे महबूब के सामने क्यों करे सी ना करे सी मैं दायरा इस्लाम में जो खारिज कर दे सा। क्योंकि अल्फाज में रब्बुल आलमीन ने जबान मेरे महबूब दी है तो खुश नसीब वो बंदा जिसदा अहमद मुजम्मल मुदसर दाहो यासीन वलायल दिया जुल्फ वाला नबी है। हर बंदे दा नबी नहीं पाके मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दा नबी है जिसदा अली इमाम है। जिस दे बारे रसूल खुदा ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म दा शहर हां अली दरवाजा है। अगर हर बंदे दा पाके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हो या गदीर दे मैदान ते पलाना दा मिंबर बना के ना फरमावया मन कुंत मौला फहादा अली और मौला जैंदा जैंदा मैं मौला उदा उदा मेरा भरा अली मौला। मैं अजमत हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाना चाहता जिस वक्त बेनियाज जल्ला जलालहू ने अपनी वहदानियत रसूल खुदा दी रिसालत मौला अली अलैहिस्सलाम दा विलायत दा इकरार कीते उस वक्त बेनियाज ने अर्श दे उत्ते खूबसूरत तख्त लवाया, उस दे उत्ते खूबसूरत ताज रखाए। आदम अलैहिस्सलाम तो गिन के आखिर जमा आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी दी रूह कंब गई, काश ताज मेनु मिल जाए, काश ताज मेनु मिल जाए। कुछ बोल पे बेनियाज खूबसूरत ताज जिसका नाम फरमाया ताज शफा, मालिक को पैसी फरमाया ताज होता पावन वास्ते वे मालिक कौन पैसी फरमाया जिस दी मर्जी पा लवे मैं इन आकड़ा फला पावे मैं आ दे ला। मेरे सारे प्यारे अंबिया मालिक खाए सारे रखे दू ताज है के इस दा फैसला फरमाया बड़ा सोहना फैसला है। इस ताज के नाल है काफी है जिस दे 72 सफे कोई जल्दी नहीं आराम सुकून नाल ताज काफी पढ़ो जेरा कीमत अदा कर सकते वो दस्खत करे ताज पावे। बजुर्गो कुछ नबी उठे पहले सफे ते रह गए, कुछ नबी उठे दूजे सफे ते रह गए, कुछ उठे त्रीजे सफे ते रह गए। इन नबी में जो एक नाम है नबी है जिसका नाम अयूब अलैहिस्सलाम है। अयूब अलैहिस्सलाम अध कापी ते पहुंचे हर पास आवाज ये अयूब ताज ले गया, अयूब ताज ले गया। जनाब अयूब अलैहिस्सलाम ने वरका पत्रे हाथ कमर लग पे न कलम ढह पे आसमान आले पास देख के दे बेनियाज परदे दा मसला बड़ा औखा। नबी दी रैयत दे सर झुक गए, नबियां दा सरदार कैवले रैयत दे दे कैवले ताज दे दे। थोड़ी ही देर गुजरी है या सज्जे पास नाले कमसन शहजादा है जिसका नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। नाना मेरा सलाम होवी फरमाया हुसैन मेरा भी सलाम होवी। नाने दी रैया तो डिठा सर झुके होए, नाने तो डिठा नाने दी निगाह ताज ते वे हुसैन मौला बोले नहीं सीधा ताज अले पास टुर पाए। ताज न चाह के खाओ न डिठा वत नाने दी रैया डिठा फरमाया नहीं।
ताज सोने हथ न चाह के नाने दे सर ते रखया दे वाह ना ना ए ताज ते बढ़िया भी तोरे वास्ते ऐना ना इस ताज दी खैश रखेंदे हो फरमाया हुसैन क्यों नहीं रखेंदा नाना ए ताज हुसैन दे तरफ पा मेरा हुसैन कीमत पड़ी वाह ना ना हुसैन तेनु ताज पवा के कीमत पड़े नाना तू ताज पा ताज जाने कीमत जाने मैं हुसैन जाने पर मैं हुसैन क्या दे मैं लाख दफा पढ़ता मैं नौकरा नाना ते को हुसैन ताज पवा के कीमत देखे नाना तू ताज पा कीमत जाने मैं हुसैन जाना नबी फरमाया हुसैन क्या दे सकते फरमाया नाना मंगना लाग सी बस कर मैं अक्सा होर दा मुहर्रम हुसैन अलैह सलाम नाना दी ताज दी कीमत पैदा करे नन फरमाया नाना जद मैं कीमत अदा कराए सारे नबी को खिल के आवे उस हुसैन दिया भेड़ा को मुसलमान इतना मारा है इतना मारा है कबर नाल कबर नहीं मिलती है उस दिया भेड़ा को बाजार फिराए ने बजुर्ग को जितना टुर गए मौला हुसैन का चेला मना बड़े चेला मोदे चाली दी दे अंदर मेरी सहना चेला मनाए साल दे बाद मजबूरी केरी जदा पहला चेला मैं मेरी सहन दी सतवीं पेश उनवी सफर मेरी सहन सलाम उल्लाह साल दे बाद भेरां दा चेहरा मनाव टुरी है उनवी सफर दे दी बैठ जरी रसूल खुदा दा साहबी है हदीस किस्सा दरावी है जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी इस नो ए आजाद हासिल है बुजुर्गो ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दा पहला जवार है इस आन के दरिया ते गुसल कीता है इस दा नौकर नाल है नौकर जुत्ती सामने रखी है झिणक दे के आदे चाल है पता नहीं किरे जाते हुसैन दा खून मिट्टी अभी है मत मैं जुत्ती पावा माँ हुसैन दिया के तब उठ पाए जित मेरा भज दे घोड़े दो करत है जाबिर ते उठ पाए जिथा अकबर दिला शौकी चाहिए जाबिर ते उठ पाए जिथा आवाज दे बाजू औके चाहे तेरी निगाह च आवाज दे बाजू है मैं बतू दी निगाह च मेरी अधिया दा पर्दा है शहदा दे विच आखणे अपने आप नु आदे जरा मुर्दा जिंदा करन दे तेरी गल दा जवाब रेसन पेशानी यात्रा कहते अस्सलाम वालेकुम या गरीब जहरा ओ जहरा दा गरीब बचड़ा नाने दे बुढ़े साबी दा सलाम होवी जिकी जी कबर च आवाज है अलैका सलाम अकबर दे गरीब बाबे दा भी सलाम होवी जिस पासो जवाब है उस पासो भज भी है कबर नु आन ला के आदे मौला जद अकबर नु चाया होवे टुर न सकदे है मौला कसम दिलार दे टुकड़े चाहे ने मौला जनाब आस ते बाजू चाहे ने कमर त्रुट गई फरमाए ना ना ते घट सुनी है जुलम ज्यादा हो जाए कई वारी गश जाबे नो गश आए नौकर तलिया मलिया हुसैन मौला दी कमर दे सलाम करके अब्बास मौला दी मजार वाले पास टुरा अठ कदम तक गए या अब्बास मौला दी आवाज ना ना मेरे ते नाराज है टुरता हो या जाबिर मिट्टी ते बह गया दे आंदा तेडो बेवम हम नाराज मैं सुनी आवाज इतो जेवर पा के गुजरी है फरमाया नाना तने न दे भेन बिरा दी चुप कर भेन बिरा दी चुप खा गई है हुन जाबिर उठा बेच खड़े आदे भेन बिरा दी चुप खा गई है गिले न दे मेरी असैन है रोटुरी है मेरा मौला फरमाया नाना ते इतना डिप्टी करनी है मौला मैं कैसे डिप्टी करनी है फरमाया नाना देख रसूल दे पुत्र दे देरे लगे हुए लोग तो काफले दी शक्ल चांदर विंदन मैं बे आराम होता सुबह तो घेन के शाम तक तय ता डिप्टी करनी है अगर कोई मुसाफिर आवे उन आग वल्ला मारे अगर कोई सवार आवे उन आग पैदल तुरे तस्से हमारे पानी पिलावे मजलिस आकर सुनावे झिड़क न देवे नाना अजकल काफला आने वाला है उन्होंने तय नहीं रोकना चाहे उठ तो लए न लए उठ मेरी कब्र तो आन गुजारे नाना मेरी सहना का काफला है 53 मामल सजाद लेके गया 48 यतीम 112 बीबियां
जाबेद डिप्टी का पहला दिन जुहर की नमाज पढ़ के आखड़े डिठा त्रै महमल बशीर महारी पंजवा इमाम नाले चौथा इमाम रत बदर होते जाबेद सामने आखड़े मथे ते हथ रख दे परदेसी मुसाफिर रो पिए सैयदा ते मुसाफिर आखिए परदेसी आखिए रुना क्यों या दे उम्र थोड़ी है ज़ईफ ज्यादा लगते मुसाफिर तो वल्ला मां जवार ते पैदल तुरण दा हुक्म है ये जंगल नहीं है जन्नत है सैयदा ते कह बनाए फरमाया बतूल दिया पुत्रा मेरे इमाम मोहम्मद माद मोहम्मद अली पास ले के दे अम्मा पैदल तुरण दा हुक्म है मेरी शान फरमाए सजाद पूछ ले कहंदा हुक्म है सैयदा दे नाना मेरी मां भी फरमे दिए कहंदा हुक्म है जाबरा दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हुसैन मौला दी फौज दा जरनैल है जिसका नाम है अब्बास बात मेरी शान फरमाए सजाद पूछ कहंदा हुक्म है यार हमारे जाबर ने अब्बास मौला दा नाम चाहे रुनिए ना उस अब्बास मौला दिया दिया आज रमाए माँ सजाद मिन्नत कराट मिलावे सारे बाबे द पहला हुक्म मेरी सहन फरमाए मेरी अदिया थोड़ी देर सबर करो मैं भी लासा मैं भी तुरसा मेरे अलमा वाले द हुक्म मेरी सहन तेरी सर हद ते त्रै महमल आया ते कै मुल्क
माशाल्लाह।